adultery law in India. What do you mean by adultery? We have this IPC CRPC जो हमारा था IPC CRPC Indian Evidence Act. These are the laws which we had. Now the new criminal laws have been passed by the Parliament. The new criminal laws में जो ये replace कर रहे, what have they done? They have criminalized adultery on gender neutral. So adultery laws यहाँ पे भी थे, CRPC में थे, लेकिन Supreme Court ने उसको overrule कर दिया था कि adultery laws जो है वो क्या था, वो जेंडर बायस था. नाउ इन द न्यू बिल तो अडल्ट्री लॉ नहीं था, हमारे कंट्री से अडल्ट्री लॉ निकल गया, इसका था क्रिमिनल एक्ट, ऐसे करके वो हटा दिया था. अब न्यू लॉ में उन्होंने फिर से अडल्ट्री लॉ को लेकर आया है कि जो पहले लॉ था वो जेंडर बायस था ना, मैन वुमेन का सेम लेवल नहीं था. तो नाउ जेंडर न्यूट्रल अडल्ट्री लॉ मीन्स यू विल बी अक्यूज ऑफ अडल्ट्री वेदर यू आर अ मेल और फीमेल.
Then this is regarding the two bills which have been passed by Lok Sabha, Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir Reorganization Amendment Bill and Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill. तो ये जम्मू एंड कश्मीर के दो बिल्स है, इसमें क्या हो रहा है? रीऑर्गेनाइजेशन इज, वी हैव ऑलरेडी मेड अ यूनियन टेरिटरी, तो वो रीऑर्गेनाइजेशन में भी अमेंडमेंट्स लाके क्या कर रहे हैं, दोनों लॉज में अमेंडमेंट्स लाके रिजर्वेशन ला रहे हैं. रिजर्वेशन फॉर हूम? सो दिस जम्मू एंड कश्मीर असेंबली हैज आल्सो बीन सस्पेंडेड, लेजिस्लेटिव असेंबली अभी सस्पेंडेड है. स्टेट इज डिवाइडेड इनटू यूनियन टेरिटरीज, है ना, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया. अब जम्मू एंड कश्मीर रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इज ऑल्सो अ थिंग which government says we'll do. Revival of legislative assembly is also what the center says we'll do. Supreme Court ka ruling aaya hai, aage hum dekhenge. 2-3 days back the Supreme Court ruling has come on Jammu and Kashmir. To ye isme kya unhone kiya, yahan pe law laake reservation diya hai. Aur abhi Jammu and Kashmir assembly will have, it was earlier having, before it was suspended, it had 107 seats. Ab kitni seats hogi? 114. 7 more. To kya hai? Reservation laya hai. How many seats are these for? कश्मीरी माइग्रेंट्स. सो यू कैन सी हर, सी 9 सीट्स आर रिजर्व फॉर एसटी फॉर द फर्स्ट टाइम. शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन जम्मू एंड कश्मीर में था ही नहीं, ट्राइब है ही नहीं, मतलब ऐसा. नाउ शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन हैज बीन गिवन, 9 सीट्स विल बी रिजर्व फॉर एसटी, एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कितने हैं? 2. तो 2 कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्वेशन होगा. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल नॉमिनेट 3 मेंबर्स, 2 फ्रॉम कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड 1 फ्रॉम पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. तो पीओके से कभी कोई इलेक्शन हुआ ही नहीं, पर अब रिजर्वेशन दे रहे, वहाँ से एक मेंबर नॉमिनेट होगा हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में जम्मू एंड कश्मीर में. तो हु मेंबर्स ऑफ पीओके जो वहाँ नहीं, यहाँ रह रहे हैं, है ना, हु टुक रेफ्यूज इन इंडिया, वहाँ के रेसिडेंट थे पर अब इंडिया में रह रहे हैं, है ना. तो ये 1947, 65, 71, 47, तो इंडिपेंडेंस एंड दीज टू वॉर्स विच वी हैड इंडिया पाकिस्तान, वो टाइम पे यहाँ आए हैं, तो उनको एक सीट मिलेगा रिजर्व रिजर्वेशन. ठीक है, सो दिस इज अ बिल. ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है जिसमें रिजर्वेशन के प्रोविजंस लाए जा रहे हैं. जो ओरिजिनल बिल था जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, वो था 2019 का बिल. 5 अगस्त 2019 वाज व्हेन जम्मू एंड कश्मीर वाज बाइफर्केटेड एंड यूनियन टेरिटरीज वर फॉर्म्ड. तो यहाँ पे अपोजिशन बोल रहे कि ये जो 2019 का बिल है यही चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग अभी इसके थोड़े दिन, 7 अगस्त की न्यूज है ना, 7 दिसंबर की न्यूज है, फ्यू डेज लेटर अभी रूलिंग भी आया इसके बाद. तो यहाँ पे बोला जा रहा था कि ये जो लॉ है, एक्चुअल लॉ अमेंडमेंट हो रहा है ना, एक्चुअल 2019 का लॉ तो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तो इसको कैसे तुम अमेंड कर सकते हो? तो द गवर्नमेंट सेज दैट सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट सस्पेंडेड द बिल, इट इज हियरिंग इट बट इट हैज नॉट सस्पेंडेड, कि ये एक्ट सस्पेंडेड है. जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सुनवाई कर रहे हैं, उसका जो रूलिंग आएगा वो आएगा. सो स्टेटस को कंटिन्यूज, सो वी कैन अमेंड द बिल, द एक्ट, इट्स एन एक्ट, अमेंडिंग द एक्ट थ्रू अ बिल. समझ में आ रहा है? तो ये है. देन पोस्ट ऑफिस बिल, राज्यसभा पासेस पोस्ट ऑफिस बिल. तो पोस्ट ऑफिस एक्ट प्री इंडिपेंडेंस एक्ट है, 1898 का एक्ट है पोस्ट ऑफिस एक्ट. सो नाउ अ न्यू पोस्ट ऑफिस बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस एंड राज्यसभा हैज आल्सो पास्ड इट, तो फॉर एंश्योरिंग इफेक्टिव फंक्शन ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट. तो पोस्ट अभी वैसा पोस्ट तो चलता नहीं है, लेटर लिखेंगे वो तो सिस्टम है नहीं. सो नाउ इट विल बिकम अ मैसेंजर सर्विस एंड ऑल्सो प्रोवाइड बैंकिंग फैसिलिटीज, है ना, स्मॉल सेविंग पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट्स होते हैं ना, तो वो बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, इसलिए यहाँ पे ये नया बिल लाया गया. हाउ इट विल बी ऑर्गेनाइज, इट विल एम्पावर एनी ऑफिसर टू इंटरसेप्ट, ओपन और डिटेन एनी पोस्टल आइटम इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट. सो थोड़ा concerns have been raised on right to privacy, तो ये provision भी है post office bill में, कि किसी का भी parcel कुछ है postal item वो खोल के देख सकते, officer देख सकते अगर doubt हुआ तो. वैसे तो now means more emphasis will be on banking services, because post office system जो अपना है ना, post office is there in every remote area of the country. Banking system इतना हर remote area में नहीं आया है. Banks are not there in remote villages, but post office is still there. So post office also provide banking facilities. So more emphasis on that aspect, that they have actually been practically converted into banks in many such areas. So उस पे emphasis करके नया bill लाया जा रहा है.
Then this is regarding illegal migrants. This is a hearing which Supreme Court is hearing on what illegal migrants after Assam Accord. तो असम में इलीगल माइग्रेंट्स का इशू है. असम मींस वेयर हैव दीज इलीगल माइग्रेंट्स कम फ्रॉम, विच कंट्री? बांग्लादेश. बांग्लादेश है मेनली दे आर टारगेटिंग बांग्लादेश. म्यांमार का बाद में, अभी रीसेंट टाइम्स का, ये पुराना है. असम अकॉर्ड कभी का है? 1985 का है. ये पूरा यहाँ पे देखो है 1985 असम अकॉर्ड था ना. तो ये जो है ना यहाँ पे, ये असम अकॉर्ड मतलब जो वहाँ पे इलीगल माइग्रेंट्स तब आए थे. तो फॉरेन नेशनल्स कमिंग टू असम, देर आर थ्री कैटेगरीज, एक्चुअली नीचे भी है, थ्री कैटेगरीज में किया है इनको डिवाइड. तो असम अकॉर्ड क्या बोलता था? सी तो सेक्शन 6A है असम अकॉर्ड का, यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का. तो सेक्शन 6A असम अकॉर्ड ऑफ 1985 वाज साइंड बिटवीन द असामीज पार्टीज एंड द गवर्नमेंट, के मतलब के इसको इंप्लीमेंट किया जाए, असामीज कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, जो माइग्रेंट्स आके यहाँ सेटल हो रहे हैं उनको स्टॉप किया जाए, हमारे रिसोर्सेज जो डिवाइड हो रहे हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उनमें, मीन्स वी हैव बीन अफेक्टेड. सो फॉर दैट असम अकॉर्ड वॉज साइंड एंड सिटीजनशिप एक्ट was amended and section 6A was introduced. So it talked about immigration from Bangladesh. के migrants जो Bangladesh से आ रहे हैं ना, तो तीन time period में उनको divide किया गया. पुराने हैं तो उनके लिए अलग provisions, recent times के उसके बाद के, तो ये deadlines थी, timelines थी. One is 1st Jan 1966. अगर उससे पहले आ गए, 1966 से पहले ही आ गए हो असम में from Bangladesh, तो they were deemed as Indian citizens. उनको Indian citizenship दे दी 1966 से पहले आए हैं तो. अगर 1966 से 1971 इज द टाइम ऑफ व्हेन बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड ड्यूरिंग इंदिरा गांधी रूल. तो ये 1971 ये डेट, मतलब उससे भी पहले आ गए थे, ये टाइम नहीं, 66 और 71 के बीच में आ गए थे. तो उनके लिए दे कैन बी रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजन. उनके लिए कंडीशन थे कि ये फुलफिल करो तो यू विल बी गिवन इंडियन सिटीजनशिप. थर्ड कैटेगरी उसके बाद आए हैं, 71 के बाद आए हैं, मतलब वॉर के टाइम पे बहुत लोग आए थे, तो वो आए हैं, तो यू आर इलीगल माइग्रेंट एंड यू विल बी डिपोर्ट. तो ये तीन प्रोविजंस ऐसे लाए गए. तो ये तो असम अकॉर्ड हो गया 1985 का, सिटीजनशिप एक्ट अमेंड हो गया, ये सब प्रोविजंस आ गए और ये सब चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट में अभी जो हियरिंग चल रहा है वो किसके ऊपर है? कि जो स्पेशल प्रोविजंस इनको यहाँ दिए गए हैं आफ्टर द साइनिंग, ये स्पेशल प्रोविजंस कौन से दिए गए हैं? कौन से स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं? जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रिसेंटली भी हुआ है, दैट टाइम आल्सो असमीज हैड रेज दिस वॉइस कि यू आर बीइंग, यू आर गिविंग सिटीजनशिप टू पीपल फ्रॉम, जो अपना था ना, विच थ्री कंट्रीज, विच वाज दिस एक्सेप्ट थ्री कंट्रीज, एक्चुअली था क्या था, विच थ्री कंट्रीज मींस एक्सेप्ट नहीं, विच फ्रॉम विच थ्री कंट्रीज, पाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश. हाँ, तो यहाँ ये जो इलीगल माइग्रेंट्स आ रहे हैं उनको अगर तुम सिटीजनशिप दे दोगे तो दे आर सेटल्ड हियर. तो ये इलीगल माइग्रेंट्स आए वो हमारे यहाँ पे, तो इनको तुम सिटीजनशिप दे दोगे तो दे विल, दिस विल चेंज द डेमोग्राफिक दिस एंड दिस विल पोज अ बर्डन ऑन द रिसोर्सेज. सो दे हैव दिस केस रनिंग इन सुप्रीम कोर्ट. ये कोविड से पहले ही हुआ था ना, सीए का इतना जो पूरा न्यूज चल रहा था. सो सिंस दैट टाइम दिस केस इज बीन रजिस्टर्ड एंड दे आर हियरिंग दिस पिटीशन बाय असामीज ग्रुप्स, दे आर चैलेंजिंग दिस, यू कैन सी. तो ये हमने ऑलरेडी देखा, देखो 71 से पहले तक आए हैं तो दे विल बी, आफ्टर दैट दे हैव कम नहीं, 71 के बाद आए हैं तो दे विल बी डिपोर्टेड, इलीगल माइग्रेंट्स विल बी डिपोर्टेड. इसके बीच में आए हैं तो दे आर, देर आर कंडीशन, उनको डायरेक्टली नहीं मिलेगा 10 साल तक, तो उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं मिलेगी, बाद में उनको सिटीजनशिप मिल सकता है, जैसे नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो देर आर कंडीशन फॉर देम. नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया था उसमें नाउ यू कैन सी माइग्रेंट फ्रॉम अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, दे आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप. तो इस केस के ऊपर, इस इशू के ऊपर दे हैड फाइल्ड अ केस इन द सुप्रीम कोर्ट के जो the norms जो है सिटीजनशिप इनको अलाउ कर रहे, तो इनको सिटीजनशिप दे देंगे तो फिर वी विल बी अफेक्टेड. तो इट्स, दे से इट वायलेट्स असम अकॉर्ड ऑफ 1985. तो ये केस चल रहा है कि वो तो इलीगल थे ना 71 के बाद, अब तुम उनको लीगल बना रहे, तो ये प्रोविजन था ये.
तो इसके ऊपर रूलिंग चल रही है. तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हियरिंग नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट आज सेंटर फॉर डिटेल्स ऑन इलीगल माइग्रेंट्स न्यूज. और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि असम में है, असम से ज्यादा बांग्लादेश का बॉर्डर कौन से स्टेट के साथ है? सबसे बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ कौन सा स्टेट है होगा हमारे कंट्री का? वेस्ट बंगाल. तो सुप्रीम कोर्ट से डेट व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल में नहीं आए इलीगल माइग्रेंट्स, उनको नहीं कंसिडर किया जा रहा है ना? सो सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो सेड दैट यू स्टडी दिस, यू कैन सी. सो इट इज ऑर्डर द होम सेक्रेटरी टू फाइल एन एफिडेविट कि कितने इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में आए हैं 1971 के बाद, क्या स्टेप्स लिए गए उनको, बॉर्डर फेंसिंग की गई कि इलीगल माइग्रेशन अब बंद हो जाए, क्या क्या स्टेप्स लिए गए, हमको एफिडेविट्स फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में. इट सेज व्हाई दिस इज ओनली फॉर असम, व्हाई नॉट फॉर वेस्ट बंगाल? वेस्ट बंगाल हैज अ लार्जर बॉर्डर विद बांग्लादेश, उनको क्यों नहीं कंसिडर किया जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज असम का जो पॉइंट है, कंटेंशन है, वो ये है कि एक तो रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन आ रहा है, बर्डन ऑन रिसोर्सेज, वी हैव बीन अफेक्टेड. अनदर इट सेड इट विल चेंज द डेमोग्राफिक एंड द कल्चर ऑफ द रीजन. तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर इलीगल माइग्रेंट्स बाहर से आ रहे हैं उसको तुम इंटर स्टेट माइग्रेशन से नहीं कंपेयर कर सकते. सुप्रीम कोर्ट क्लियरली स्पेसिफाइड दिस. सीजीआई सेड दैट डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है. तुम बोलेंगे कि साउथ में अगर समझो नॉर्थ के लोग आ गए हैं, तो इशू हुआ था रिसेंटली भी फेक वीडियो के बेसिस पे, रिमेम्बर बिहार के माइग्रेंट्स का फेक वीडियो आया था कि साउथ में कैसे उनको मारा जा रहा है, कुछ है ये न्यूज आया था. तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है कि नॉर्थ के अगर कोई साउथ में आ रहे हैं, यहाँ सेटल हो रहे हैं, बिकॉज बेंगलोर वगैरह भी आईटी हब बन रहा है, सो मैनी नॉर्थ इंडियंस कम एंड सेटल डाउन हियर. सो वो तुम बोलो कल्चर चेंज हो रहा है, ये माइग्रेशन इसको स्टॉप करो, दिस कैन नॉट बी अ पॉइंट. You cannot. It cannot compared. You cannot compare it with complaints by people of one state about how migrants from another state within the country are changing their culture. So Supreme Court made this clear. There is a difference. It's self said that there is huge interstate migration in the IT sector. So people cannot say this is our culture and it is being changed. So that will not be accepted. So that aspect is also there. Then this is the Supreme Court ruling which I was talking about, Jammu and Kashmir ka jo article 370. So constitution bench of the Supreme Court has upheld the power of the president to abrogate the special status. Special status of Jammu and Kashmir has now been ended. Article 370 jo hata diya usme se special status hata diya Jammu and Kashmir, it has been upheld by the Supreme Court. The constitution of India, article 370, is in Indian constitution. इस आर्टिकल इसमें एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, गवर्नमेंट ने क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 370 में प्रोविजन था कि स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हटा सकते हैं, ऐसा प्रोविजन था. हाँ, व्हाट यू नीडेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमिशन से, वो रिकमेंड करेंगे उनके, उससे हो सकता है. प्रेसिडेंट कैन रिवोक स्पेशल स्टेटस बट उनके कंकरेंस से, दैट शुड प्रपोज. तो स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन सी? जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जब जम्मू एंड कश्मीर बना तब. वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है अभी, इट्स नॉट अ कंटिन्यूस बॉडी ना, इट कंप्लीटेड इट्स फंक्शन, इट एंडेड. तो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी काम हो गया, इट एंडेड. नाउ दैट आर्टिकल 370 स्टेटेड दैट. तो पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अमेंडेड आर्टिकल 370. And that amendment also, how did they do? यहाँ पे देखो, see constitutional order लाए 5th August 2019 था ना ये डेट है ना, JNK reorganization bill, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा 7th December का जो बिल था ना, उसमें अमेंडमेंट किया, रिजर्वेशन लाया, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई है, थोड़े दिन बाद ही ये रूलिंग आई है. तो ये 5th August 2019 में reorganization के टाइम पे उन्होंने एक constitutional order भी पास किया. And in this constitutional order, they changed that definition. They said के state constituent assembly, Jammu and Kashmir state constituent assembly का recommendation नहीं चाहिए. Even Jammu and Kashmir का state legislative assembly can recommend. तो वो नाम उन्होंने बदल दिया. Constituent assembly तो existent नहीं है, legislative assembly तो है ना. So they changed some definitions. तो state legislative assembly could recommend the abrogation instead of now dissolved constituent assembly of Jammu and Kashmir. तो आर्टिकल 370 में ऐसा लिखा हुआ था, उसको वहाँ मॉडिफाई किया आर्टिकल 370 को. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया, सुप्रीम कोर्ट सेड दैट दिस ऑगस्ट 5 ऑर्डर सब कुछ अपहेल नहीं किया, उन्होंने बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यू कांट अमेंड आर्टिकल 370.
लाइक दिस बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर. तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट चाहिए ना, ऐसे ऑर्डर पास करके नहीं अमेंड कर सकते. August 5, 2019 तो एक्ट था, एक्ट में जो कुछ भी किया, लेकिन ऐसे नेम चेंज या कुछ कर रहे तो इट रिक्वायर्स पूरा बिल ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. तो ये ऑर्डर से नहीं होगा. तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. तो आर्टिकल 370 कैन नॉट बी अमेंडेड लाइक दैट. एंड तो अभी उसके बाद क्या किया उन्होंने, 5th अगस्त 2019 ये तो किया, उसके बाद क्या किया, स्टेट लेजिस्लेटिवली डिसॉल्व कर दिया. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज डिसॉल्व. यू कैन सी व्हेन वॉज इट डिसॉल्व बाय द गवर्नर, 2018 में, 21st नवंबर 2018 को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज डिसॉल्व. बिफोर दैट, टू डेज बिफोर दैट, प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज. 2018 में प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज, दो दिन बाद लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज डिसॉल्व. एंड उसके अराउंड यू कैन से 8 months लेटर यू कैन सी स्टेट वॉज स्प्लिट इन टू टू यूनियन टेरिटरीज 2019, August 2019. तो ये पूरा ये सब हुआ. प्रेसिडेंट्स रूल वॉज इम्पोज ऑन 19 December 2018, which went on till ये August के बाद ये October, 31st October 2019 तक President's Rule था. और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इसी President's Rule के टाइम पे पास की गई थी, जब लेजिस्लेटिव असेंबली भी पावर में नहीं थी. लेजिस्लेटिव असेंबली स्टूड डिसॉल्व. तो प्रेसिडेंट रिकमेंडेड आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर के ये स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर शुड बी रिवॉक्ड. प्रेसिडेंट डिड ऑन हिज ओन अकॉर्ड, इवन नॉट इवन विदाउट एनी रिकमेंडेशन. ना लेजिस्लेटिव असेंबली ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो जम्मू एंड कश्मीर की है ही नहीं, कोई नहीं, किसी ने रिकमेंड नहीं किया. प्रेसिडेंट ने जस्ट ही रिवोक द स्पेशल स्टेटस व्हाइल इट वाज अंडर स्टेट वाज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल. तो ये हुआ है, ठीक है. ये अक्टूबर 2019 में प्रेसिडेंट्स रूल रिवोक हुआ. अगस्त के बाद ये 2 महीना है, सेप्टेम्बर अक्टूबर, तब ये दो यूनियन टेरिटरीज भी बनी विथ इफेक्ट फ्रॉम दैट टाइम, 31st अक्टूबर 2019. सो दिस वॉज दैट. सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है, अभी जो रूलिंग आया है वो क्या है, ये 5-judge bench हेडेड बाय सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, ही कंफर्म दैट प्रेसिडेंट कुड यूनिलैटरली इशू अ नोटिफिकेशन दैट आर्टिकल 370 सीजेस टू एग्जिस्ट. तो आर्टिकल 370 को ही निकाल दिया कि कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है जम्मू कश्मीर का. तो सुप्रीम कोर्ट बोला है हाँ कर सकते, प्रेसिडेंट कर सकते विथ और विदाउट the legislative assembly's recommendation, anybody's recommendation, it can do it. Then also Supreme Court said that Jammu and Kashmir constitution bhi abhi inoperative ho gaya hai. Constitution is redundant and inoperative, it accepted the assurance, abhi statehood nahi hai. Jammu and Kashmir is actually a state which has now been divided into union territories. So Supreme Court said that we are accepting the center's assurance that statehood will be restored to Jammu and Kashmir at the earliest. At the earliest, कोई डेडलाइन नहीं. तो ये सेंटर ने बोला हम जल्द से जल्द स्टेटहुड देंगे जम्मू एंड कश्मीर को, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ ठीक है दे देंगे. तो ये भी इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोला. देन असेंबली इलेक्शंस कंडक्ट करने चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में. तो असेंबली इलेक्शंस सुप्रीम उनको सेंटर ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन विल होल्ड देम इन सेप्टेम्बर 2024, अगले साल के सेप्टेम्बर में. तो वो भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है तब इलेक्शंस कंडक्ट करना. सो ऑल दीज अश्योरेंसेस हैव बीन गिवन बाय द सेंटर व्हिच सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सेप्टेड. सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट लुक्ड इनटू दिस कि रीऑर्गेनाइजेशन जो था स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया. नाउ दिस इज आल्सो लाइक आई सेड महुआ मोइत्रा के टाइम पे भी दिस इज अ प्रेसिडेंट व्हिच इज बीन सेट कि अपोजिशन में जो इलेक्ट होके आया है उसको तुमने निकाल दिया. पार्टी तो मेजोरिटी में, रूलिंग गवर्नमेंट इज इन मेजोरिटी, निकाल दिया. इट्स अ प्रेसिडेंट सेट कि किसी को भी अपोजिशन अगर है निकालना, निकाल दिया. यहाँ पे भी वही हो रहा है. अ स्टेट मीन्स दिस इज परमिटिंग अ स्टेट टू बी डिवाइडेड इनटू यूनियन टेरिटरीज. मतलब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि ये स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दो तो वो कर सकती है, क्योंकि एक स्टेट का स्टेटहुड छीन के यूनियन टेरिटरी बना दिया गया. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट लुक्ड इनटू इट, इट हैज नॉट एग्जामिन्ड कि ये रीऑर्गेनाइजेशन इज इवन परमिसिबल और नॉट. नथिंग, इट हैज एक्सेप्टेड, रिस्टोर करेंगे बोला है ना, मतलब गलत किया नहीं, क्या सही कर देंगे. तो अब हम उस पर रूलिंग ही नहीं दे रहे. द सेंटर हैज अश्योर्ड दैट वी विल रीस्टोर स्टेट. हाँ, सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट गिव एनी नेगेटिव रूलिंग, सब हाँ ठीक है करो. तो हिंदू एडिटोरियल हैज रिटन स्ट्रांगली, हिंदू एडिटोरियल अबाउट बोथ मोइत्रा ऑल्सो दे रोट अबाउट दिस, ऑल्सो दे रोट स्ट्रांगली अबाउट हाउ इट इज अ प्रेसिडेंट सेट. Then any state can be divided into union territories. As, huh?
ठीक है, ये हो गया. देन ऊपर क्या है यहाँ पे, आई थिंक ये ही है ना. हाँ ठीक है, सो दिस इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग. ये तीसरा क्या है और क्या बचा भी. हाँ there are some terminologies. Supreme Court said Article 370 represents, it was actually giving asymmetrical federalism. This is a terminology which you should know now. Federalism तो होता है ना, federalism क्या होता है, center, state also has a say. Unitary government means पूरा center is powerful. Federal you know है ना, so we are federation with a strong center. ये सब तो क्या हमने. It said that Article 370 was giving asymmetrical federalism. It was asymmetrical. ये term का मतलब क्या है? ये mains में, question में कहीं पे आया. You should understand the term. Symmetrical मतलब equally. मतलब हम जो Article 370 के against court बोल रहे हैं ये कि मतलब जम्मू एंड कश्मीर को special status दिया गया, सबको federalism दिया गया, लेकिन इसको special federalism दिया गया. तो symmetrically सबको equally नहीं, इसको ज़्यादा दिया गया. तो this is asymmetrical federalism. So Article 370 represented asymmetrical federalism, है ना? Because it had additional features. बाकी federal features सबके पास है, वो है. बाकी उसके पास separate constitution था, residuary powers उनके पास थे. For legislation also we have seen that residuary powers are with the center, but for Jammu and Kashmir residuary powers were with the state. है ना, ऑफ लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट. इवन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर उनके ऊपर लॉ बनाना है तो उनका कंसेंट की जरूरत थी. पार्लियामेंट के नॉट मेक लॉ फॉर जम्मू एंड कश्मीर. तो जो भी जम्मू एंड कश्मीर का लॉ, कंट्री का लॉ बनता था, इट वॉज फॉर एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. उसके लिए अलग से कंसेंट लेके अगर जम्मू एंड कश्मीर हाँ बोला तो होता है. इफ यू लुक एट ऑल अदर लॉज प्रीवियसली पास, यू विल रीड देम, इट विल से एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर टू ऑल स्टेट्स, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस था, तो दैट्स व्हाट दे आर कॉलिंग एसिमेट्रिकल फेडरलिज्म व्हिच हैज एंडेड. सो दैट्स व्हाट दे मीन, है ना. बाकी तो है कोर्ट्स फेलियर टू गिव इट्स रूलिंग. हाँ ये मैंने बोला ना, यूज ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट टाइम ये किया गया है कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया. तो इट डिड नॉट एडजुडिकेट ऑन इट, उसके ऊपर जजमेंट ही नहीं दिया, कुछ बोला ही नहीं है, ना. ठीक है. See, invitation to the union to create new UTs out of any part of any state. Yes, power hai tumhare paas. Yes. To ye pakadwa vivah. Pakadwa vivah. Practice of pakadwa vivah. Ye hai famous Bihar mein. In Bihar. Pakadwa vivah. Kya hota hai ye? क्या है, क्या हाँ फर्स्ट वाली इमेज. हाँ तो ये तो बंधा हुआ है ना, फर्स्ट मतलब वो डाउरी ले देते ना. ये भी देखो, ये भी ड्रग्स, ये गनी बैग में इसको पकड़ के लाए. तो इन बिहार व्हाट द केस इज दैट इफ अ पर्सन, इफ अ मैन, अ बॉय इज एडुकेटेड फ्रॉम अ गुड कास्ट, सो डाउरी उनका बहुत हाई होता है, डाउरी डिमांड्स. सो गर्ल्स इन बिहार नाउ फैमिलीज व्हेन दे वांट टू गेट द गर्ल मैरिड तो क्या करते हैं वो लोग, पकड़ के लेके आते हैं उसको गन पॉइंट पे, शादी खत्म. So many such cases have come up. Movies भी बनी है, I suppose. Recently भी कोई movie बनी है, I think. There has been some movie. Siddharth Malhotra की भी कोई movie आई है, I think, इसके ऊपर. And even before that, yeah, yeah. हाँ हाँ है. And अतरंगी रे थी इसकी, सोहा अली खान ना, remember? सारा अली खान वो that South Indian. कैप्चर हिम एंड दे गेट देम मैरिड. सो ये पकड़वा विवाह हैज बीन फेमस इवन रिसेंटली, मतलब कौन सा ईयर था मैं देखूँ, 2023 में, लास्ट मंथ ओनली, पटना हाईकोर्ट हैड गिवन अ रूलिंग. तो ये पकड़वा विवाह हुआ था एक डेकेड पहले, 10 ईयर्स लोगों का पकड़वा विवाह था, उसको अनल किया गया. अब वो अनल भी कैसे किया गया, किस ग्राउंड पे, कि जो शादी हुई थी उसमें सिर्फ उसको गन पॉइंट पे लाया गया था, ही वॉज ऑल्सो एन आर्मी मैन, और उसको शादी करी गई 10 साल पहले जबरदस्ती, एंड ही वॉज फोर्स टू अप्लाई सिंदूर
ऑन द हेड ऑफ द वुमेन कि हो गई शादी चलो जाओ. तो क्योंकि साथ खड़े नहीं हुए थे, सतपति बोलते हैं सप्तपदी, सप्तपदी नहीं हुआ था जो सात तेरे सेवन स्टेप वो नहीं लिए गए, तो इसलिए वो रिचुअल नहीं हुआ था. इसलिए पटना हाईकोर्ट ने बोला कि ये शादी अनल होती है, क्योंकि हिंदू मैरिज के अंडर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये जरूरी है शादी के लिए. तो शादी कैंसिल हो गई, तो केस चल रहा था भाई. So this is not just the case of the man suffering, but it is also the woman suffering, because it's also not the woman who wants to do this. The family insists on this and this, they are also suffering. So that both aspects are there. So ye hai. And Bihar, it says Bihar literacy rate is low, per capita income is very low, literacy rate is lowest in the country. Per capita of income of Bihar is very low, so many cannot afford dowry demands. Lakhon mein demands hoti hai, so they cannot afford. So this is a social evil which is prevalent in Bihar. Pakadwa viva, marriage of groom by abduction. ठीक है. Then comes PVTGs. PVTGs किया है हमने पहले. Particularly vulnerable tribal groups. पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो बहुत सारे 75 ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स है ऑल ओवर द कंट्री. यू कैन सी सम नेम्स बीन गिवन हियर, खोंद, पोरजा, असुर, बिरहोर, है ना, जरावास. जरावास शॉम्पेन तो फेमस है. जरावास शॉम्पेन सेंटिनलीज कहाँ के है? यस, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ऑल दीज आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स. सो न्यूज़ क्या है अभी, जरा 75 इन नंबर स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स, एक्चुअली 17 स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार, राइट. द पॉपुलेशन इज अराउंड 27-28 लाख बोल सकते हैं, है ना. व्हाट आर दे, हु आर दीज पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स? पहले तो उनको PTGs बोलते थे, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, द वे ऑफ लिविंग इज वेरी प्रिमिटिव, है ना. प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ लिविंग, मतलब सेटल्ड एग्रीकल्चर भी नहीं करते वो लोग, उतने मतलब वल्नरेबल है, इतना मतलब ट्राइबल है. तो एसटीज भी बोलो हम, तो एसटीज आर आल्सो दे हैव रिजर्वेशन एवरीथिंग. दिस इज एसटी में भी एकदम जो लोवेस्ट लेवल है. सो प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ यू नो डेवलपमेंट एंड स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन भी इनका कम हो रहा है. एक्सट्रीमली लो लिटरेसी लेवल्स, सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी, बस उतना मतलब गुजारा हो जाए बाकी कुछ नहीं. So such communities are there. So for them now Prime Minister has put forth a scheme called Janjati Adivasi Nyay Mahabhyan. Janman, PM Janman. Janjati Adivasi Nyay Mahabhyan. ठीक है. तो PM Janman करके ये program आया है for particularly vulnerable tribal groups. So Tribal Affairs Ministry has, ये अलग न्यूज़ है वो आया उससे पहले, यहाँ पे ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बोला कि ये PVTGs का पॉपुलेशन अभी डिक्लाइन नहीं हो रहा है. एक कंडीशन है ना कि वो डिक्लाइन हो रहा है, जैसे ही सेट के डिक्लाइन नहीं हो रहा है. सो बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बाय रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसे दे आर नॉट डिक्लाइनिंग, बट स्टेट वाइज सेंसस जो हो रहा है उसमें बता रहे हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन इनका गिर रहा है. सो इट सेज इट हैज सेड दैट इन अ डेकेड 40% पॉपुलेशन कम हो गया 9 स्टेट्स में. तो स्टेट वाइज सेंसस डेटा अलग है और सेंट्रल गवर्नमेंट सेज दैट दे आर नॉट डिक्लाइनिंग. ठीक है, ये देखो ये प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स पहले बोलते थे, नाउ दे आर गिवन अ बेटर नेम. प्रिमिटिव थोड़ा डिग्रेडिंग लगता है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल, है ना, नेम चेंज किया उनका. ठीक है, ये हमने देखा स्टैग्नेंट पॉपुलेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो लिटरेसी, दीज आर द क्राइटेरिया फॉर डिक्लेयरिंग देम. सो दे लिव इन रिमोटेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल एरियाज इन द कंट्री, है ना. ये देखो, सो दीज आर द स्टेट्स वेयर दे आर लोकेटेड. 75 है, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी UPSC पूछ चुकी है. ये 75 PVTGs है, कितने हैं, ये नंबर के पास स्टेटमेंट था, सो यू शुड नो द नंबर ऑल्सो. There are 75 PVTGs across 18 states UTs. सबसे ज़्यादा PVTGs ओडिशा में, है ना. और अंडमान के ऑल फोर ट्राइबल ग्रुप्स निकोबार का दे और ऑल PVTGs है, तो ठीक है ना. शॉम्पेन, सेंटिनलीज, ठीक है. सो दिस इज दैट. सो नाउ दिस प्रोग्राम विल कम फोर्थ. वो भी क्या है, वॉट इज दिस प्रोग्राम ट्राइंग टू डू? जनमन 24,000 करोर इसके लिए अलोकेट किया गया है फॉर दिस प्रोग्राम, एंड अराउंड
15,000 करोर सेंटर देगी, बाकी का स्टेट्स को प्रोवाइड करना है, ऐसे करके प्रोग्राम है. एंड वॉट विल इट डू, इट विल एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑल द प्रोग्राम्स विच आर ऑलरेडी देयर इन प्लेस. सो 9 मिनिस्ट्रीज, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज विल बी इन्वॉल्व. मतलब उनको रोड्स अच्छे दो तो जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व होगी कि जहाँ पे ये ट्राइबल्स रहते हैं PVTGs वहाँ पे पक्के हाउसेज बने, रोड्स बने. सो ऑल डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जिनके जिनके अंडर आता है ना जो जो स्कीम्स है वो यहाँ पे इनको यहाँ के लिए भी इंक्लूड इम्प्लीमेंट करो. तो इसके ऊपर एम्फोसिस करके प्रोग्राम बनाया गया है ऐसे. तो पक्का होम्स, कनेक्टिंग रोड्स टू ऑल हाउस होल्ड्स, प्रोवाइडिंग दैम विद पाइप्ड वाटर, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स है ना, मोबाइल टावर्स, वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स है ना. So all this is there. One Dhan Vikas Kendra. One मतलब जंगल, One Dhan मतलब फॉरेस्ट प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, ट्रेड उसके लिए हेल्प करने के लिए. One Dhan Vikas Kendra. All this will be provided. Off grid solar power system, bringing solar street lights in these areas. So ये सारे ही चीज़ें सारी मिनिस्ट्रीज अपने अपने स्कीम्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें इन एरियाज में. PVTG जा रहे थे उसके लिए प्रोग्राम है PM Jal Man. ठीक है, then this is regarding agriculture. So this agriculture in context of climate change also, and how agriculture has been affecting biodiversity also for that matter. So agri-food systems have to change, the way agriculture is practiced has to change. So multiple cropping, matlab kya hota hai, multiple cropping karna, ye dekho alag alag naam hai,